नमस्कार साथियों, मेरे नए मित्रों, नए यूट्यूबर्स और मेरे भाईगण सभी लोग, टेक फॉर नेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नंदन वाजपेयी एक नई जानकारी के साथ इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कभी कभी इस चीज़ को लेकर के, टैक्स किस तरह से लगाएं। बहुत से वीडियो यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपना मत रखता हूँ, अपने विचार रखता हूँ। मैं किसी को यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने जो कुछ बताई, जो भी जानकारियाँ दी वो गलत हैं, वो गलत नहीं है। सभी ने मेहनत की है और सभी सीनियर्स यूट्यूबर्स होते हैं, तो उनके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, वो उसके आधार पर बताते हैं। मैं अपना विचार रखता हूँ यहाँ पर, जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ कि टैक्स, एक ही बात बताऊँगा और छोटी सी बात, मोटी सी बात। जब भी आप टैक्स लगाइए तो आप टैक्स तो आप अपने टाइटल को ही तोड़ मड़ोड़ के लगाते हैं, और अपने वीडियो में क्या क्या आप दिखा रहे हो उसी में से कुछ ना कुछ छोटे छोटे वर्ड्स आप निकाल करके टैक्स लगाते हो। कोई बात नहीं, आप टैक्स लगाइए जो भी लगाने हो, पर एक बात ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छा जो है उससे आसानी रहेगी आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होने में। आप अपने उस पर लैपटॉप या पीसी पर जो भी हो, ट्यूब बडी जो है इंस्टॉल करके रखिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपको जब भी आप अपना वीडियो अपलोड कर लोगे और टैक्स लगाओगे, तो जब आप टैक्स कोई लिखोगे तो उसी जगह आपको बगल में जो है, ठीक है, ट्यूब बडी खुद ही आपको जो है इंडिकेटर वहाँ पर होता है कि जो भी टैग आप डाल रहे हो, अगर आपने कोई भी टैग गलत डाला, ठीक है, या कोई भी टैग डाल दिया, तो उसमें इंडिकेटर जो बगल में होगा वो आपको शो कर देता है कि आपका टैग ये आगे चल के वीडियो मोनेटाइज करने में सफल रहेगा या नहीं रहेगा, ये चीज़ आपको वो इंडिकेटर बता देता है। तो अभी मैं आपको कोशिश करूँगा स्क्रीनशॉट देने की, आगे मेरे वीडियो के लास्ट में हो सकता है आपको स्क्रीनशॉट इसका मिलेगा। और अगर हाँ, बस यही ट्यूब बडी अगर आप इंस्टॉल कर, देखिए ये जानकारी ऐसी है जो अभी तक मैंने नहीं देखी यूट्यूब पर, तो मैं वो जानकारी लेकर के, देखिए टैग लगाना हर कोई बताता है, टैग किस तरह से लगाएं, किस तरह के टैग होने चाहिए, ये सब कुछ चुतियापा होता है। आप टैग लगाइए, कोई भी इसमें जादू नहीं होता है, कोई भी ट्रिक नहीं होती है, टैग आपको जो मर्जी हो वो आप लगाइए। बस कोशिश इतनी कीजिए कि छोटे टैग रखिए, ज़्यादा बड़े मत कीजिए, और इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। मोनेटाइजेशन आपकी वीडियो की ऑन होगी या नहीं होगी यहीं पर आपको बता देता है। मैं कहता हूँ वहाँ तक जाने की नौबत क्यों आए कि आपको बाद में अंडर रिव्यू चैनल हो जाए आपका, और आप परेशान हो कि मेरा चैनल जो है अंडर रिव्यू पड़ा है, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो। ये छोटी छोटी बारीकियाँ अगर आप अभी से ध्यान दे लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि आप अपने उस पर लैपटॉप या पीसी पर जो भी आप जहाँ से भी अपलोड करते हो, ट्यूब बडी इंस्टॉल करके रखिए। तो जब आप जिस वक्त आप टैग लगा रहे होगे, टैग डालते ही आपको बगल में इंडिकेटर मिलेगा, वो इंडिकेटर आपको बता देगा, खुद ही लिख करके बता देगा कि ये टैग जो आप लगा रहे हो ये आपका डीमोनेटाइज कर देगा। और अगर फिर आप उसको हटा करके सही दोबारा कोई टैग डालिए, तो अगर वो टैग इंडिकेटर ने पकड़ा और ठीक बताया, तो इसका मतलब है कि वो टैग आपका काम करेगा और आपका वो वीडियो मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई आपको, आशा करता हूँ समझ में आएगी, पसंद आएगी। और ये जो भी जानकारियाँ मैं देता हूँ अपने उन भाइयों के लिए देता हूँ जो अभी नई शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब पे। और बस इतना ही कुछ था मेरे पास और विशेष नहीं है। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक बाय।